We thank the medical team and the district society for such a brilliant innovative initiative that they have taken to grant us to have some insight and awareness. So this program is all about awareness of mental health as part of National Mental Health Program. So we are more than happy to be hearing as to how our brain should be or our mental condition should be. It's good that we are physically all active. But if there is no mental health, there is no physical life, active life. So it's more than a wonderful day that in this young age itself, we are more than destined and more than encouraging time to have to learn in this duration itself. So once again, I welcome the team and I also thank our brand ambassadors, Anand sir and Srinath Bhai, for taking up this initiative on behalf of the school. सर्किल के साथ छह से मिक्सअप नहीं होता है, गुस्सा आता है किसी के, किसी ने कुछ जो किया जाएगा जीवन उसी चीज का गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये किसमें आता है? मेंटल हेल्थ में। काम करने का मन नहीं करना, पढ़ने का मन नहीं करना, कोई भी काम करने के काम नहीं करने मन नहीं करना, छोटे छोटे चीजों पर गुस्सा आ जाना, ये मेंटल हेल्थ में आ जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चीजों पर रोने का मन करना, ये मेंटल हेल्थ में आ जाता है। जी सर, सर मेरा नमस्कार व्यक्ति सर मेरा अगर किसी को इनमें से कोई सिम्टम्स है तो टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट, अगर कोई भी बच्चा इन सिम्टम्स का शिकार है या छोटे छोटे टीचर घर से आना चुप हो जाए, मतलब स्ट्रेस को बाबा माए मैंने भी मतलब अगर वैसे ही कोई मसला है, अगर में से कोई सिम्टम दिखता है बच्चों में, तो आप उनको डॉक्टर के साथ साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करने की कोशिश करें, वो ज्यादा अच्छा है ताकि आपका जो एकेडमिक करियर जो है अच्छा हो। क्योंकि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका एकेडमिक करियर जो है वो खराब हो जाएगा। तो जितने भी जिसको भी ये प्रॉब्लम्स हो आके एड्रेस आके मिले, बात करें, ये इस चीजों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। और इस ठीक है, ये सस्ता आता है, जो बाकी ड्रग्स होते हैं वो महंगे आते हैं होते हैं। और इसी अवेलेबिलिटी अब देखिए, ये घर पे अवेलेबल होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो वो इस ड्रग एब्यूज जिनको इनहेलेंट एब्यूज बोलते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। नाउ कमिंग टू सुसाइड, अ टोटल ऑफ 1,39,123 डेथ्स बाय सुसाइड ऑफ एवरी ईयर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सो फॉर एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज इज वन ऑफ द कॉमन रीजंस। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर फातिमा देसाई हार्डी कि वो लोग यहाँ पे आके आप लोगों को इतने बहुत सारे मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे पॉइंट समझाए कि क्या 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 टैकल करने के लिए। मैंने एक क्वेश्चन देना है कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि यहाँ पे हमारे स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है कि सभी क्लासेस में रेवा के स्पेशल बच्चे एक या दो बच्चे होते ही। तो बच्चों को कुछ ऐसे सजेशन कि इन बच्चों से जो कि स्पेशल एबल्ट होते हैं किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से उनको इंक्लूड करना है अपने हर एक्टिविटीज में, इसके लिए थोड़ा सजेशन दे प्लीज। ठीक है ना, अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है, हमें भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो भी स्पेशल बच्चे हैं वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं आपके, है ना, है कि नहीं है? तो देखिए, फिर उनको स्कूल आपकी क्लास अगर होगा, हमें उनको अच्छे से एक फ्रेंडली उनके साथ बिहेव करना है ना, करना है, करते हैं हम लोग। तो उनको बुली नहीं करनी है, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर मुर्तजा अली, कंटिन्यूअस कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। टुडे वी कंडक्टेड अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एट मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल।
we have this we talked about various mental health issues that are faced by children, and especially like ADHD, autism, intellectual disabilities. So these are this mental health disorders that are discussed in detail. So we also provided them with the options, like we have treatment facilities like counseling and medication, and also we visited specially appointed these children here. Teachers of these students to have a proper talk with their parents, so that we can address various kind of behavioral disturbances that are happening in children. So we also have a certification of the disability so that they can have a proper benefit that's given to them by the government of India. Thank you so much.